हेलो भैया बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। बच्चों, मैंने पहले पढ़ा था नंबर सिस्टम होता क्या है। इसके अंदर मैं देखा था क्या डेसिमल नंबर, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बेटा एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं, होते क्या चीज है नंबर सिस्टम। जनरली अगर हम जानते हो जो नंबर सिस्टम होता है हमारा 1 2 3 4 से लेकर के इंफिनिटी तक, जो हम नंबर काउंट करते हैं अपना 0 1 2, ओके, यानी कि इसको इंफिनिटी तक आप लेके चले जाओ, तो ये हमारे नॉर्मल हम नंबर सिस्टम जानते हैं। बट जो हमारा नंबर सिस्टम होता है वो होता है से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट होता है बेटा? पहला नंबर जो हमारा डेसिमल नंबर, दूसरा बाइनरी नंबर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग होते हैं बेटा। जैसे जो नंबर सिस्टम होता है तो हमारी जनरल लैंग्वेज होती है, जिसमें हम 0 से 1 2 3 और लास्ट इंफिनिटी तक जाते हैं, मतलब अनंत तक जाते हैं, वो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर के 1 2 3 4 और ये इनफाइनिटली 9 तक होते हैं। वैसे नंबर हमारे डेसिमल नंबर होते हैं 9 तक होते हैं। 0 से 9 मतलब टोटल संख्या कितनी होती है बेटा? 10 होती है। कितनी होती है टोटल संख्या? 10 होती है। अब ये क्यों बता रहे? ये इनका बेस है। क्या ये बेस नंबर है? यानी कि इन्हीं से जो बाकी नंबर सिस्टम है, यानी बाकी जो नंबर है, छोटी बड़ी संख्याएं हैं, वो इन्हीं का यूज करके बनती है। क्या आपने देखा है कभी ऐसा कि जो इनसे अलग नंबर हो? है क्या कोई? नहीं है। सभी संख्याएं, जितनी भी तरह की संख्या, छोटी बड़ी, लाख में, करोड़ में, अरब में, केवल इन्हीं संख्याओं का यूज करके, छोटा बड़ा नंबर कोई भी हो, बार बार यूज करके, यानी 2 या 3 बार यूज करके, ज्यादा या यूज करके। ठीक है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ 5312। ये जो नंबर है इसमें वैसे हम इसको पढ़ेंगे 5312, बट इसके अंदर यूज क्या हुआ है? इन्हीं नंबर का यूज हुआ है। अब मान लो मैं इसके अंदर और पढ़ा दू यहाँ पर, ठीक है, क्या इनसे बाहर कोई नंबर गया? नहीं गया ना। तो क्या है बेस संख्या? क्या हमारी 0 to 9 जिस संख्या में होते हैं, यानी कि टोटल 10, ये होते हमारे डेसिमल नंबर होते हैं भाई। क्या होते हैं? डेसिमल नंबर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम जो आता है हमारा बाइनरी नंबर का। बेटा अगर हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ा हो आपने, तो मैं बता रहा हूँ हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारी जनरल लैंग्वेज को नहीं समझता। ठीक है, यानी जो हम बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, व्हाटएवर टाइप के लैंग्वेज बोलते हैं, कंप्यूटर जो है किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझता। अब हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? तो मशीनरी लैंग्वेज को समझता है। कौन सी लैंग्वेज को समझता है? मशीनरी लैंग्वेज को समझता है, जिसके अंदर क्या है, केवल 2 डिजिट आते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। कौन कौन से डिजिट आते हैं? 0 और 1 आते हैं। यानी कि 0 का मतलब होता है नो, 1 का मतलब होता है यस। ठीक है, ये तो नो को डिनोट करता है और ये यस को डिनोट करता है, या फिर हम कहते हैं ये तो ओ को डिनोट करता है और ये हमारा ऑन को डिनोट करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हमारा नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर। हमारा कंप्यूटर जो है केवल इस लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 की भाषा को समझता है, और इसके अंदर बेस संख्या यानी कि टोटल संख्या कितनी होती है इनकी? तो 2 नंबर यूज किए बेटा, इसके अंदर 2 ही होती है। कौन कौन से? 0 और 1। क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं। ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर कौन से होते हैं? तो इसके अंदर बच्चों होते तो यही है, 0 से कितने होते हैं? ये ऑक्टल नंबर में होती है संख्या, बेस संख्या होती है 8। बेस संख्या कितनी होती है? 8 होती है। यानी इन 8 संख्याओं का यूज करके जो नंबर बनाया जाता है तो उसको ऑक्टल संख्या कहते हैं। और जो इसके अंदर नंबर यूज होते हैं बच्चों, वो होते हैं हमारे 0 to 7 तक होते हैं। ठीक है, अगर आप काउंट करोगे जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी जो काउंट करोगे आप, ये क्या होते हैं संख्या में? 8 होते हैं। और इन्हीं का यूज करके हमारा क्या बनता है? ऑक्टल नंबर बनता है, यानी कि ऑक्टल का मतलब 8। 8 संख्या इसके अंदर बेस संख्या होती है 8। उसके बाद हम आगे चलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है इसके अंदर हमारे होते हैं बच्चों 16 नंबर होते हैं। क्या होते हैं? 16। यानी बेस संख्या कितनी होती है इसकी? 16 होती है। अब आप पूछोगे सर 16 कैसे होती है, हमारे पास नंबर तो 0 to 9 होते हैं। क्या होते हैं? 0 to 9 होते हैं। तो हमारा 0 to 9, तो 0 to 9 कितने हो गए? टोटल ये हो गए 10। कितने हो गए? 0 से 9, यानी 0 1 2, और इसको हम काउंट करेंगे 9 तक। ठीक है, तो 9 तक काउंट करने में हो गए हमारे 10। अब आगे आने वाले 6 नंबर कौन से हैं भाई? जो 16 बना देंगे इसको, तो वो हमारे अल्फाबेट जुड़ जाते हैं। अल्फाबेट ए से एफ तक। ए से एफ तक का मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू 11। ठीक है, उसके बाद बी 12, सी
13, डी 14 और ई हमारा 15 हो गया और एफ जो है वो आ गया हमारा 16 आ गया। ये जो नंबर है हमारे ये क्या होते हैं भाई, 0 से 9 तक 10 नंबर, ये 10 के बाद गैर मान नंबर ये हो गया 12, 13, 14, 15 और 16 नंबर, तो ये हमारे क्या हो गए, हेक्साडेसिमल नंबर हो गए। तो नंबर सिस्टम पता चल गया आपको कि डेसिमल नंबर में 0 से 9 नंबर जनरली यूज करते हैं, बाइनरी नंबर जो हमारा कंप्यूटर समझता है जिसको हम क्या कहते हैं 0 और 1, ठीक है, मशीन लैंग्वेज कहते हैं इसको, कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर इसको अपने कोई भी डेटा कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है उसको विद इन नैनो सेकंड, यानी कि एक सेकंड का हजारवां भाग इतना टाइम लेता होगा, उस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करता है, जोड़ता है किससे, बाइनरी लैंग्वेज से, बाइनरी नंबर से, और जैसे उसका काम कंप्लीट हो जाता है उसको रिवर्स हमारी जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है जो हमें आउटपुट चाहिए उसमें हमें कन्वर्ट करके देता है, और वो सारा काम कितना होता है, यानी कि 1 सेकंड के 1000वां पार्ट कर दो, ठीक है, 1000 पार्ट कर दिए, यानी कि जो 1000 का एक पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, नैनो सेकंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नैनो सेकंड बोलते हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो हम पहले नंबर से लेते हैं डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर, ठीक है, किसी भी संख्या को डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करें बाकी भी हम समझेंगे, लेकिन शुरुआत से लेते हैं सीधा सीधा, चलो जी, तो हमारा क्या है जी, डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर में कितने होते हैं हमारे 10 बेस संख्या होती है, बाइनरी में हमारी बेस संख्या होती है 2, क्या होती है 2, तो ऐसे जो हम कोई भी संख्या लेते हैं 79, ठीक है, क्या ले लिया 79 ले लिया, ये क्या हमारे डेसिमल नंबर है, इसका यूज होकर के बड़ा हुआ है, बाइनरी लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में हमें कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, बहुत इजी सा है, इसको कर दो बेटा 2 से डिवाइड, क्योंकि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, बाइनरी में होते हैं कितने 2, तो यहां से 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करने के बाद यहां पर आ जाता है, हम डिवाइड करते हैं इसको एक लाइन में यहां पर आ जाते हैं साथ साथ में, तो कितना हो जाएगा 3 जा और 9 जा, 1 बच जाता है यहां पर, तो 1 को यहां पर कैरी रख लेंगे, ठीक है, जब तक कैरी बचता रहेगा, ठीक है, रिमाइंडर बचता रहेगा, रिमाइंडर को हम साइड में रखते रहेंगे, अब यहां से फिर से हमने किया, ठीक है, तो फिर से क्या आ गया हमारे यहां पर, यहां जाएगा 2 1 जा और 2 9 जा, फिर 1 बच गया भाई, फिर 1 को भेज दो, उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 2 9 जा हो गया, फिर 1 बच गया, फिर से 2 2 4 जा हो गया, सॉरी 2 4 जा हो गया, यहां पर आ जाएगा 1, अब देखिए यहां पर क्या आ गया 4, 2 की टेबल में आता है कंप्लीटली, तो 2 भी कंप्लीटली टेबल में आता है, 2 2 4 हो गया, लेकिन रिमाइंडर का कुछ नहीं बचा, अगर रिमाइंडर बचता तो इस साइड रख लेंगे, बाकी हम साइड निकाल लेंगे, जब रिमाइंडर कितना बच गया 0 बचा, तो यहां पर 0 आ गया, उसके बाद यहां पर 2 से फिर डिवाइड किया हमने, तो रिमाइंडर नहीं बचा, तो यहां पर क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा, क्या आ गया 0 आ गया, कितने पे गए 2 बंदा पे गए, बंदा पे गया ना, अब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 2 से डिवाइड करो या ना करो, लेकिन इस वाली संख्या को हम क्या रख लेते हैं रिमाइंडर के रूप में यहां रख लेते हैं, क्लियर है, तो लास्ट वाला डिजिट है ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो कैरी लेना पड़ेगा, तो ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 1 ले लेंगे, इसका एलईडी 1 यहां पर आ जाएगा। अब इस संख्या को नोट कैसे करेंगे, तो इस संख्या को नीचे से नोट करना स्टार्ट करेंगे, नीचे से नोट करना, जैसे नीचे वाली संख्या क्या है 1 0 0 1 1 1 1, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 79 इंटू डेसिमल नंबर टू, क्या कहेंगे हम इसको बाइनरी नंबर कहेंगे, क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, कोई एक उसे क्या हो लेते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां पर, समझ में आ रहा होगा, अब लेते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा 42, हमने मान लिया नेक्स्ट नंबर ले लिया 42, आपने आप आराम से कर सकते हैं कोई भी नंबर लेकर के, फॉर्मेट आपका यही रहेगा 2 से डिवाइड करना, आपने बोला हमारा इवन नंबर ऑड नंबर था, हमने इवन नंबर ले लिया, इसको कैसे करेंगे, तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया यहां पर, तो यहां पर रिमाइंडर कितना 0, उसके बाद 2 10 जा 20 बट रिमाइंडर बच गया 1, 2 5 जा 10 बट रिमाइंडर 0, नेक्स्ट 1 2 2 जा 4 बट रिमाइंडर बच गया 1, नेक्स्ट अगेन 2 1 जा रिमाइंडर कितना 0, अब 1 बच गया, लास्ट डिजिट 1 है, 1 को ऐसे भी हम रिमाइंडर में ले लेंगे कि हमारी संख्या हो गई,
क्लियर है। अब इसको मैं बाइनरी सिस्टम के हिसाब से मैं लिखूंगा, तो नीचे से मैं नंबर बनाने स्टार्ट करने है, तो नीचे से मैं लिखता हूं 1010 और 1010 और 0। ये हमारा ट्रिपल टेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना 42 को। अगर 42 को बाइनरी नंबर में लिखना तो इस तरीके से हम लिखेंगे, क्लियर है। आगे चलते हैं। चलो अगर आप कहते हैं एक नंबर को पहले घर पर प्रैक्टिस करके देखिए, आप प्रैक्टिस करके देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके साथ जुड़ेंगे। हम सपोज करिए एक नंबर हो लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं हमें 31, ठीक है 31 ले लिया, करिए इसको करिए, तो ये हमारा आ गया। 2 से हमें डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना जाएगा 15 पे, रिमाइंडर बच जाएगा 1, 27 या 14 रिमाइंडर 1, 23 या 6 रिमाइंडर 1 बच गया, 21 या 2 रिमाइंडर बच गया यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर रिमाइंडर बच गया। हमने कहा लास्ट 1 बच गया, लास्ट 1 को हम खाली नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर भी है इसको 1 का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सारे 1 ऊपर से लिख लिया नीचे से भी एक की बात, तो क्या लगे, तो ये 3 और 2 5 1 2 3 4 5, ये क्या है हमारा इज इक्वल टू 31। इस संख्या को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ये देखिए सॉरी इसको ये कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट किया हमने इधर कर दिया, क्लियर है। ये तो हो गया हमारा डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। अब बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, क्या है इसी को कन्वर्ट करके देखते हैं। पहले तो हमारा क्या है 1 1 1, तो 5 है 1 2 3 4 5 हो गए। अब क्या करना हमने, क्योंकि मैं नीचे से लिया था तो हम यहां पे स्टार्ट करते हैं, 2 है तो 2 से लेंगे, तो 2 की पावर 0 कर दो, हमने क्या करना है 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, यहां पर 1 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, देन वंस अगेन 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो जब किसी की पावर 0 हो जाती है, किसी भी संख्या की पावर 0 लगा दो तो वो संख्या किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 है, किसी संख्या की पावर 1 होगी जिसकी 0 होगी तो वो तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी पावर ही 1 है तो वो क्या हो जाएगा सेम नंबर हो जाएगा, यानी सेम नंबर क्या होगा 2 हो गया। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करिए हमने तो क्या हो जाएगा 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 2 की पावर 2 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 से, तो 2 की पावर 2 क्या होगी 4 हो गई, तो 4 मतलब 4 हो गया। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो गया, तो 8 मतलब 8 हो गया। 2 की पावर 4 है यानी 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 को हम कन्वर्ट करेंगे तो धन हो जाएगा 16। अगर मैं यहाँ पे 16 लिख दूं तो इन सभी को क्या करना है, हमने ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए 16 प्लस 8 24 24 प्लस 4 28 और 28 प्लस 3 क्या हो जाएगा जी 31। जो हम लेकर के चले थे वो हमारा आ गया 31, क्लियर है, ठीक है। कोई और संख्या लेते चलिए, अपने इच्छा अनुसार कोई भी नंबर ले सकते हैं, यह आ गया जी 1 0 0 1 और 1, इसको हम लेते हैं सपोज करिए, ठीक है 5 है 6 7 दो मर्जी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो शुरुआत हमारी वही रहेगी ऊपर से, ठीक है ऊपर से शुरुआत रहेगी, क्या करना है हमने, तो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, देन 2 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से 2 की पावर 0 यानी कि 1 का 1 आ जाएगा 2 की पावर 1, लेकिन किसी भी चीज की मल्टीप्लाई 0 से करा तो नंबर क्या हो जाएगा 0, 2 की पावर 6 कितनी भी मल्टीप्लाई 0 से होनी है तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो 8 की मल्टीप्लाई 1 से 8 ही हो गया। 2 की पावर 4 यानी कि 16 होता है, 16 की मल्टीप्लाई 1 से किया तो यह आ जाएगा हमारा इट इज 16 आ जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दो तो यह आ जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा, क्लियर है। तो बच्चों ये था आपका कन्वर्जन किसी का डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर में और बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर में। उससे पहले मैंने आपको बताया डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, बाइनरी नंबर कौन से होते हैं,
हेक्साडेसिमल या ऑक्टल नंबर कौन से होते हैं। ये बेटा आपको न केवल आपकी क्लास में काम आएंगे जो फिलहाल आप पढ़ रहे हैं, ये आगे भविष्य में आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करते हैं उसमें हर एक में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इसके साथ जुड़ जाते हैं कि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो या इसका आप उसमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करिए। ठीक है, संख्या आ जाती है, कोई पहले क्वेश्चन भी देखे गए हैं इसके। ठीक है, किसी भी कंपटीशन टेस्ट में आपसे कोई भी पूछ सकता है आप बाइनरी लैंग्वेज करते तो हो क्या, आप इसको जानते हैं बाइनरी लैंग्वेज होती क्या है, कोई भी नंबर आपको दिया उसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये आपके कन्वर्ट करने के लिए आपको सिखा दिया गया है। समझिए चीज को, यदि कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसको पूछिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।